लगातार बढ़ते प्रदूषण से जनता परेशान है, लगातार सरकारें काम कर रही हैं, पर इस बीच एनजीटी ने संज्ञान लिया है, 7 राज्यों से 10 तारीख से पहले रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इस वक्त हम एनजीटी के बाहर मौजूद हैं। आज एनजीटी ने जिस तरीके से लगातार जो पोल्यूशन में बढ़ोतरी हो रही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसको देखते हुए एनजीटी ने संज्ञान लिया है और 7 राज्यों से 10 तारीख से पहले जवाब मांगा है, रिपोर्ट दाखिल करने को आए कि अपने अपने राज्य में जो सरकारें हैं वो प्रदूषण को लेकर किस तरीके से काम कर रही है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, ऐसे 7 बड़े राज्य जहां पर काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण देखने को मिल रहा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस बीच एनजीटी ने एक बड़ा संज्ञान लिया है और पूरे मामले को लेकर एनजीटी 10 नवंबर को सुनवाई करने वाला है और उससे पहले एनजीटी ने सभी राज्यों से ये कहा है कि अपने अपने राज्यों की जो प्रदूषण की स्थिति है और एयर क्वालिटी को लेकर जिस तरीके से सरकारें काम कर रही हैं, रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। जिस तरीके से प्रदूषण को लेकर लगातार सरकारें काम कर रही हैं और दिल्ली में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो हालात है खराब है, दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है, चाहे पानी छिड़काव की बात करें, अलग अलग जो भी जो पर्याप्त इंतजाम है वो दिल्ली सरकार कर रही है, पर जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर एनजीटी ने एक बड़ा संज्ञान लिया है, पूरे मामले को लेकर एनजीटी अब 10 तारीख को सुनवाई करेगा। मेरे सहयोगी जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली, खबरें अभी तक।